आओ मेरे दोस्त रेड कमांडर आओ, हम सब ने बहुत मिस किया तुम्हें। अरे गब्बर भाई कैसे हो, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था यार। और ये कौन है आपके साथ? अरे ये मेरे भाई टेरर है, और टेरर भाई ये मेरा जिगरी यार रेड कमांडर। अरे कसम से मजा आ गया आपसे मिलकर गन्ना चूस के। अच्छा और सुनाओ कैसा चल रहा है हमारे मीरामार में, सब ठीक तो है ना? अरे ठीक तो कुछ नहीं है, वो कातिया हाथों के पीछे पड़ा है ग्रोवर और टेलर के। आपने अच्छा किया मुझे उन पे नजर रखने को आपने बोल दिया, वरना इस बार तो मार ही देते टेलर और ग्रोवर को। हाँ वो तो मुझे लग ही रहा था, अब वो उन दोनों को चैन से नहीं रहने देंगे। बाय द वे थैंक्स यार हमारे उन नुबड़े भाइयों की जान बचाने के लिए। अरे थैंक्स किस बात का गब्बर भाई, अगर आप ना होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन आपने। क्यों रेड कमांडर, मैंने कहा था ना इस सुखदी गैंगस्टर पर भरोसा नहीं कर सकते। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी जगह मैंने तुम्हारे क्लोन को भेज दिया, वरना आज इसकी जगह तुम्हारी पेटी बनी होती। मानना पड़ेगा दोस्त तुम्हें और तुम्हारे दिमाग को, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अरे शुक्रिया किस बात का यार, ये दोस्ती कब काम आती। बात तो सही कही तुमने गब्बर। अच्छा अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इरेंगल अब सेफ नहीं रहा पहले जैसा, सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। और अगर सुखदी गैंगस्टर को पता चला कि उसने रेड कमांडर को नहीं उसके क्लोन को मारा है, तो वो चैन से नहीं बैठेगा और हमसे बदला लेने जरूर आएगा। तो अब जब दुनिया की नजरों में तुम मर ही गए हो, तो मेरी बात मानो और मीरामार चले जाओ, और कुछ टाइम तक वहाँ अंडरग्राउंड रहना। और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें जरूर वापस बुलाऊंगा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। गब्बर ने कहा और उसका जिगरी यार ना माने। ऐसा हो सकता है क्या? फिर मिलेंगे दोस्त, तुम्हारी याद जरूर आएगी। जल्दी मिलेंगे रेड कमांडर। मेरी जगह मेरे क्लोन को भेज दिया, वरना मेरी तो कब की पेटी बन गई होती। अरे वो तो मेरा फर्ज था दोस्त। चलो तुम इसी तरह हमारे भाइयों पर नजर रखते रहो और उनकी हेल्प करते रहो, जब तक वो खुद को सही से संभालना नहीं सीख लेते। बाकी इधर इरेंगल का हम दोनों भाई देख लेंगे, तुम उधर मीरामार संभालो उन दो नमूनों के साथ। ठीक है बॉस, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे जल्दी। अरे अब्दुल भाई क्या बात, आज दुकान बड़ी जल्दी बंद कर दी, ज्यादा जल्दी में लग रहे हो। अरे मैं तो पहले ही लेट हो गया। अरे क्या मतलब है रे बुड्ढे, कोई बुढ़िया बटा ली क्या कच्चा फाड़ के? अरे बुढ़िया नहीं, मेरी गुड़िया आ रही है मेनका। अबे बुड्ढे तेरी गुड़िया, तेरे पे तो बुढ़िया ही नहीं है, गुड़िया कहाँ से आ गई कच्चा फाड़ के? अरे बरखुरदार एक है मेरी गोद ली हुई गुड़िया मेनका। चलो अब मैं चलता हूँ, अब तक तो वो बेचारी घर पहुँच गई होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। हाय मेरा काला। अरे मोहतरमा आप ठीक तो हो ना? हाय मेरे काले के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? बेटी ए बेटी उठो बेटी। अरे काला
तुम मुझे बेटी क्यों बोल रहे हो? उठो बेटी, बहुत टाइम हो गया है। अरे बापू, सारा मजा किरकिरा कर दिया। कितना बढ़िया सपना देख रही थी मैं, मेरा काला आ ही गया था मेरे पास। अरे क्या रे बेटी, अभी भी तू उस काले के ख्यालों में ही जी रही है। मेरी बात मान, इन ख्यालों से बाहर निकल और अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर ले। नहीं बापू, शादी करूंगी तो सिर्फ काले से ही करूंगी। अरे ऐसे तो तू फिर कुंवारी ही रहेगी मेरी तरह। अरे अब्दुल भाई कहाँ हो? अरे गोबर, ये तो बुड्ढे की रोने की आवाज लग रही है, कच्चा फाड़ के। हाँ रे टेलर, चल ढूंढते हैं इसको। अरे बुड्ढे, कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल। अरे अब्दुल भाई, ओ अब्दुल भाई। अरे अब्दुल भाई, यहाँ घुसे पड़े हो, बाहर निकलो जल्दी, पागल बना दिया है तब से। ओए बुड्ढे, अब आ भी जा, क्या हो गया ऐसा? कल तो बहुत खुश था और आज रो क्यों रहा है? मुझे बता, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा कच्चा फाड़ के। अरे मत पूछो, उस लड़की ने तो दुखी कर रखा है। अरे किसने दुखी कर रखा है अब्दुल भाई? अरे वही मेरी बेटी मेनका, दिन रात काड़ा काड़ा करती रहती है। अब तुम ही बताओ, कहाँ काला और कहाँ वो। अरे तो उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दो ना। अरे बरखुरदार, दिक्कत तो वही है ना, वो कह रही है शादी करूंगी तो काले से ही करूंगी, वरना बापू तेरी तरह कुंवारी ही मर जाऊंगी। अरे मेरे होते हुए ऐसे कैसे कुंवारी मरेगी? हम कोशिश करते हैं कच्चा फाड़ के। अरे कोशिश काहे की बे, तुम में से ही कोई उनसे शादी कर लो, मेरी बला तो टलेगी बे। हाँ टेलर, तू कर ले शादी, वैसे भी तू लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अरे तू ही कर ले गोबर, मेरे दिल में तो एक ही है अपनी मोना डार्लिंग, कच्चा फाड़ के। अरे बापू, ये ले घर की चाबी, मैं घूमने जा रही हूँ, शाम तक घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और टाइम से घर वापस आ जाना। ठीक है बापू। अरे गोबर, इससे तो मैं ही शादी करूंगा, बहुत हो गया मोना रोना कच्चा फाड़ के। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी भी तो जिंदगी है, मेरे को भी तो शादी करनी है, इससे तो मैं ही शादी करूंगा। अरे नहीं नहीं गोबर, तेरे से थोड़ी शादी करेगी, तू तो गोबर है कच्चा फाड़ के। अरे तो तुझे क्या लग रहा है, तुझसे करेगी क्या ये शादी जो सबका कच्चा फाड़ता रहता है? अरे अरे लड़ो मत इतना, पहले उसे मना तो लो। याद रखना है, वो काला दी गैंगस्टर की दीवानी है, इतने आसानी से नहीं मानने वाली। अरे मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मैं कुछ भाड़े के गुंडे ले जाता हूँ और उसको गुंडों से बचाकर हीरो बन जाऊंगा। ए ध्यान से सुनो तुम सब लोग, कुछ ही देर में यहाँ से गाड़ी निकलने वाली है और जैसा मैंने तुम सबको बताया है वैसा ही करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। चलो अब जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन ले लो। ओए निकम्मो, कौन हो तुम लोग और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? अरे बॉस, ये तो शायद प्लान का हिस्सा था ही नहीं। अबे सालो, प्लान जाए तेल लगाने, मेरे को रिवाइव करो पहले।
तेरे को बोलना था ना साले, तू गोबर है और तू गोबर ही रहेगा कच्चा फाड़ के। अरे कितनी बार बोला है गोबर मत बोला कर मुझे, मैं ग्रोवर हूँ भाई ग्रोवर। अबे तेरे सारे प्लान गुड़ गोबर होते हैं तो तू गोबर ही हुआ ना तू। एक तो मेरे सारे यूसी चले गए इन भाड़े के टट्टुओं पे और ऊपर से तू बकवास कर रहा है। तो किसने बोला था फालतू का हीरो बनने को, चल छोड़ आजा वापस चलते हैं। अरे टेलर आज अकेला कैसे? अरे गोबर का थोड़ा हाजमा खराब है इसलिए वो नहीं आया कच्चा फाड़ के। अरे बुड्ढे मेरा एक छोटा सा काम कर दे। अरे कैसा काम है? अरे मेरे को काला दी गैंगस्टर जैसे कपड़े चाहिए, मिल जाएंगे क्या? हाँ मिल तो जाएंगे पर करना क्या है? अरे मैं सोच रहा था थोड़ा हम भी काला जी गैंगस्टर बन के देख लें कच्चा फाड़ के। कहाँ काला और कहाँ तुम। जाओ अंदर रखा पड़ा है पहन लो। क्यों रे बुड्ढे, अब लग रहा हूँ ना मैं काला दी गैंगस्टर के जैसे। काला दी गैंगस्टर।